नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सैनी ट्रैवलिंग इंडिया की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मुझे एक अद्भुत जानकारी मिली है जो मुझे तो शायद नहीं थी जानकारी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। ये जानकारी महाभारत कालीन है। चलो, और महाभारत के 18 दिनों के युद्ध में कौन कौन से व्यू बने हैं या किस तरह की रणनीति बनी है, वो सब इसमें दर्शाया गया है। पहले दिन पांडवों ने वज्रव्यूह और कौरवों ने सर्वतोमुख व्यू बनाया था। पांडवों ने कौन सा व्यू बनाया और कौरवों ने वही पहले दिन वाला सर्वतोमुख व्यू? चूँकि पहले दिन पांडवों को बड़ा हार का सामना करना पड़ा था, तो इसलिए पांडवों ने अपना व्यू रचना को बदला यहाँ पर, और उन्होंने क्रौंच व्यू का निर्माण किया, जबकि कौरवों ने वही अपना सर्वतोमुख व्यू का निर्माण किया था। अब इसका कौरवों की जो सेना है उसका सेनापति भीष्म पितामह जी थे, उनके उसके सेनापति भीष्म पितामह जी थे। और यहाँ पर तीसरे दिन का व्यू देख सकते हैं आप। तीसरे दिन पांडवों ने अर्धचंद्राकार व्यू बनाया और अर्धचंद्राकार व्यू के खिलाफ कौरवों ने गरुड़ व्यू का निर्माण किया। और इसके बाद हम देखते हैं, ये तीसरा दिन था और चौथे दिन पांडवों ने अपना वही अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की, और इसके खिलाफ कौरव सेना ने मकर व्यूह की रचना की, जो कि मकर के आकार में था। और इसके जो बीच में भीष्म जी थे, उसके बाद पांचवें दिन की व्यूह रचना जो बनाई गई, वो पांडवों ने अपनी सेना को सेन व्यू में रखा, और सेन व्यू के खिलाफ कौरवों ने जो अपनी रणनीति बनाई, उन्होंने अपनी रणनीति में वही मकर व्यू की रचना की। चूंकि मकर व्यू में दोनों भागों की साइड आगे द्रोणाचार्य जी और कर्पाचार्य जी थे, और मध्य भाग में भीष्म जी थे। और इसके बाद ये पांच दिन की रणनीति थी। उसके बाद पांडवों की जो छठे दिन की रणनीति थी, वो आप हम आपको दिखाते हैं। वो पांडवों ने छठे दिन मकर व्यूह की रचना की, और बड़ा भयंकर युद्ध था पांचवें दिन का भी और छठे दिन का भी। और उसके खिलाफ जो कौरव सेना थी, उन्होंने क्रौंच व्यूह का निर्माण किया, और पांडव सेना की जो रचना थी उसमें अर्जुन सबसे आगे थे, और नकुल और भीम सेना दोनों भागों पर थे, सहदेव मध्य भाग में और युधिष्ठिर और अभिमन्यु पिछले भाग में उभार की साइड थी। ऐसे ही कौरव सेना में भीष्म जी सबसे आगे थे। अब हम आपको दिखाते हैं सातवें दिन की व्यूह रचना। सातवें दिन की व्यूह रचना में पांडवों ने वज्रव्यूह का निर्माण किया, और कौरवों ने मंडल व्यूह का, कौरवों ने किया है मंडल व्यूह का निर्माण। आप देख सकते हैं सबसे आगे भीष्म जी, दूसरी साइड में दुर्योधन और अगली और द्रोणाचार्य जी, इसी तरह वज्रव्यूह में भी सबसे आगे अर्जुन। मैं वारी वारी से आपको जो है सभी व्यू दिखाता हूँ, सभी महाभारतकालीन रणनीति के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ और थोड़ा सा आपको दिखाता भी हूँ। और ये आठवें दिन पांडवों ने श्रीगंता व्यू की रचना की और कौरवों ने महाव्यू की रचना की, और इसमें ये सब दिखाया गया है कि कौन किस भाग में कहाँ विद्यमान था और उसकी स्थिति क्या थी। अब हम इसके बाद आपको नौवें दिन की व्यू रचना दिखाते हैं। नौवें दिन कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म जी ने सर्वतोभद्र व्यू का निर्माण किया, और इसके खिलाफ पांडवों ने महाव्यू की रचना की। आप देख सकते हैं कि किस तरह की व्यू रचनाएं थी, किस तरह की रणनीति थी, और कहां कहां पर किस किस योद्धा को रखा गया था। ये इस तरह की रचना मैंने पहले कभी नहीं देखी, और ये दसवें दिन की व्यू रचनाएं हैं। पांडवों ने सर्वता वज्र व्यू का
निर्माण किया और कौरवों ने सर्वथा भद्र व्यू का निर्माण किया। ये जानकारी मुझे पहली बार मिली और बड़ी अच्छी जानकारी थी। अब आप देख सकते हैं 11वें दिन की व्यू रचनाएं। 11वें दिन पांडवों ने क्रोच व्यू का निर्माण किया था। अब क्रोच व्यू में आप देख सकते हैं कि अर्जुन सबसे आगे थे और कुंती भोज, द्रुपद ये सब इनके बिल्कुल एकदम पीछे थे। अब कौरवों ने पांडवों के क्रोच व्यू का सामना करने के लिए सक्ता व्यू का निर्माण किया, आप देख सकते हैं। और इसके बाद दिन है युद्ध का 12वां। इसमें कौरवों ने गरुड़ व्यू का सामना करने के लिए पांडवों ने युधिष्ठिर के आदेश अनुसार मंडलार्ध व्यू की रचना की थी। और युद्ध का 12वां दिन है। अब आप देख सकते हैं युद्ध के 13वें दिन की व्यू रचना किस तरह की थी। 13वें दिन अर्जुन जो है अनुपस्थित थे और कौरवों ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था। उस चक्रव्यूह के खिलाफ पांडवों ने युधिष्ठिर के कहने पर मंडलार्ध व्यू की रचना की थी। अब चूंकि चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन ही जानते थे और चक्रव्यूह का निर्माण युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए हुआ था, जिसको अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ा तो था लेकिन वे उससे निकल नहीं पाए थे। अब युद्ध के 14वें दिन जब अभिमन्यु की वध के पश्चात अर्जुन ने जयद्रथ को जिम्मेदार माना था और उसको सूरज ढलने तक मारने की शपथ ली थी, उसमें कौरवों ने चक्र शक्ति का निर्माण किया था और पांडवों ने मंडलार्ध व्यू का निर्माण किया था। और कौरवों के चक्र सक्ता व्यू में सबसे बीच में जयद्रथ को बचाने के लिए जयद्रथ को रखा गया था। और युद्ध के 15वें दिन जो 15वें दिन की रचनाएं थी उसमें पांडवों ने अर्धचंद्राकार व्यू का निर्माण किया था और कौरवों ने सक्ता व्यू का निर्माण किया था। अब आप देख सकते हैं सक्ता व्यू की किस तरह की संरचनाएं हैं और अर्धचंद्राकार की किस तरह संरचनाएं हैं। इसमें भीमसेना अर्धचंद्राकार में अर्जुन ये सबसे आगे थे, उनका साथ देने के लिए युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न। और अब हम चलते हैं 16वें दिन, युद्ध का जो 16वां दिन था। युद्ध के 16वें दिन भी पांडवों ने अपनी जो रणनीति है वो अर्धचंद्राकार व्यू ही बनाया हुआ था, उन्होंने इसी तरह की अपनी रणनीति बनाई हुई थी। और कौरवों ने मकर व्यू का निर्माण किया था, आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट दिखाई दिया है कि कहां कहां किस किस योद्धा को रखा गया था। और युद्ध का जो 17वां दिन था, 17वें दिन अनुपम व्यू की रचना पांडवों ने की थी। इसकी रचना अर्जुन ने की थी, या कहिए कि अर्जुन के आदेश अनुसार अनुपम व्यू की रचना की गई थी। और अनुपम व्यू के खिलाफ जो कौरवों की जो व्यू रचना थी वो मकर व्यू की उन्होंने रचना की थी। और इसमें कृच्छेना, शकुनी ये कौरवों की तरफ से सबसे आगे थे। और युद्ध का अंतिम दिन, युद्ध के अंतिम दिन यानी कि 18वें दिन जो युद्ध व्यू रचनाएं थी वो कौरवों के सेनापति शल्य के आदेशानुसार सर्वथा भद्र व्यू की रचना कौरवों ने की थी, जिसके खिलाफ पांडवों ने अनुपम व्यू की रचना की थी। और आप देख सकते हैं कि अनुपम व्यू में कहाँ किस योद्धा को रखा गया है और सर्वोत्तम भद्र व्यू में कहाँ कहाँ किसे किसे रखा गया।